मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले एक से दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 26 और 27 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज और कल जो हल्की बारिश की या बर्फबारी की एक्टिविटी जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो वहाँ हल्की से बहुत हल्की जो एक्टिविटी आज आप देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। और जब आप कल जाएंगे 27 तारीख तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों तक हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी मिल जाएगी बारिश की और बर्फबारी की। लेकिन जो और हिल वाला जो एरिया हमारा है उत्तराखंड का, तो उसमें भी जो है छुटपुट लाइट एक्टिविटी जो है रेन स्नो की वहाँ पर भी दिखेगी। जहाँ तक फिर स्नोफॉल की बात है या बर्फबारी की बात है, तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है पहाड़ों में, वहीं पर उसकी मिलने की संभावना है।